बच्चों गुड मॉर्निंग। आज विषय जीव विज्ञान में हम सीखेंगे मंडल के वंशगत के नियम, जिसमें मंडल ने अपने वंशगत के नियम में तीन नियम को दिया था, जिसमें से पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम था पृथककारिता का नियम और तीसरा है स्वतंत्र व्यूहन का नियम, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे मंडल का प्रथम नियम जिसका नाम है प्रभाविता का नियम। आइए देखते हैं। प्रभाविता का नियम कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, अर्थात तो जिसमें से जो प्रभावी होगा वही लक्षण दिखेगा और जो लक्षण अप्रभावी होगा वह नहीं दिखेगा, अर्थात तो छिपा रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे होता है नियम में जब किन्हीं दो शुद्ध ठीक है ना, शुद्ध किंतु विपरीत लक्षणों वाले जनकों के बीच परस्पर क्रॉस कराते हैं तो प्रथम संतानी पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण वाले संततियां प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो ये रहा मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस और इसको हम एक संकर क्रॉस या जिसे कह सकते हो संकरण कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस नाम देते हैं इसे, क्योंकि इसका मतलब होता है कहते हैं इसका तात्पर्य होता है, एक संकर क्रॉस का तात्पर्य होता है केवल एक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो उसे कहते हैं हम एक संकर क्रॉस, ठीक है। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ बच्चों, हमने एक एग्जांपल ले रखा है मटर के लंबे व बौने पौधे के बीच क्रॉस कराना है। सबसे पहले हम यहाँ पे दिखा देंगे लंबा पौधा और को क्रॉस कराना है, यहाँ पे आ जाएगा संकेत क्रॉस का। दूसरा जिसके पास विपरीत लक्षण आ रहा है बौना पौधा, और जो ये लक्षण मिल रहे हैं हमें इनके लिए हम मानते हैं पैरेंटल जनरेशन और इनको दिखाने के लिए, क्योंकि जो लक्षण को दिखता है सामने से इसे कहते हैं फीनोटाइप। ये क्या था हमारा फीनोटाइप, और इस लक्षण को सांकेतिक भाषा में दर्शाने के लिए जो हम जीन मानते हैं उसे कहते हैं जीनोटाइप। तो कैपिटल टी इधर दिखा देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका जीनोटाइप मिल गया, ठीक है। और
बौने पौधे के लिए जीनोटाइप दिखाएंगे स्मॉल टी। ठीक है, अब जो ये लक्षण हमें दिख रहे हैं, अब इनको जो जीनोटाइप्स है, आपने लिखा था पहले एलील्स के बारे में, जीनों के तुलनात्मक रूपों को एलील्स कहते हैं, तो यहाँ पर हम दिखा देंगे इसके तुलनात्मक रूपों, तो मिलेगा कैपिटल टी और कैपिटल टी। तो ये सब क्या टूट गए, इन्हें तो कहते हैं एलील्स। क्या थे ये? एलील्स। और ऐसे ही हम तोड़ देंगे कैपिटल स्मॉल टी को स्मॉल टी से भी, स्मॉल टी और स्मॉल टी अलग अलग हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब हम क्रॉस करते हैं, तो क्रॉसिंग के लिए नियम होता है एक को तीन से, एक को चार से, दो को तीन से और दो को चार से करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये पहला बन रहा है और ये दूसरा बन रहा है, तीसरा और ये चौथा बन रहा है। ठीक, नियमानुसार एक क्रॉस हुआ पहले तीन से, मिलेगा कैपिटल टी, यहाँ पर था स्मॉल टी, आ गया कैपिटल टी और स्मॉल टी। आगे देखते हैं, क्रॉस होगा एक का चार से, तो यहाँ पर भी वही चीज मिलेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक, अब हम क्रॉस कराएंगे दो को तीन से, मिलेगा आपको यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर लास्ट में है क्रॉस दो का चार से करा देंगे, प्राप्त होगा हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो आपने देखा यहाँ पर जितने भी गैमेट्स हमें प्राप्त हो रहे हैं, सभी के पास कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, सभी में मिल रहा है ना। तो यहाँ पर जो प्यूरी प्राप्त हो रही है, पहले दिखा देंगे, ये है हमारी F1 जनरेशन अर्थात प्रथम संतानीय पीढ़ी। और जितने पौधे ये प्राप्त होंगे सभी कैसे होंगे, सभी पौधे लंबे होंगे। क्यों लंबे होंगे? क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी जीन प्रेजेंट है। और ये कहता है प्रभाविता का नियम कि जो लक्षण दिखाने के लिए अगर कैपिटल कोई जीन प्रेजेंट है तो वह दिखेगा, और अगर स्मॉल जीन उसके साथ में लगा हुआ है तो वह अस्पष्ट होगा अर्थात तो अदृश्य होगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। तो जिसमें से आप दिखा देंगे जहां कैपिटल टी प्रभावी लक्षण दिखाता है, प्रभावी जीन है इसलिए लंबा दिखेगा, स्मॉल टी कैसा है, अप्रभावी जीन, इसके वजह से इसका लक्षण जो है छिपा हुआ होगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। क्योंकि इसमें कैपिटल टी भी और स्मॉल टी दोनों मिले हुए हैं, तो जो पौधे होंगे वे किस टाइप के होंगे, संकर प्रजाति के होंगे, संकर टाइप्स के होते हैं, लंबे नहीं मिलेंगे लेकिन सभी संकर होंगे। तो ये था लक्षण जो दिखा आपको है। ठीक है, ये संकर भी हैं और लंबे भी मिल रहे हैं। तो जो यहाँ पर आप थोड़ा समझा देते हैं, अगर कैपिटल टी दोनों समान अवस्था में हैं और स्मॉल टी दोनों समान अवस्था में हैं, इन्हें कहते हैं हम होमोजाइगस। कैसा है कंडीशन? होमोजाइगस कंडीशन में है। और जहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी आ रहा है, इसे कहते हैं हेटरोजाइगस कंडीशन। हेटरो का मतलब होता है डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर जो गैमेट्स बन रहे हैं कैपिटल टी अलग है, स्मॉल टी अलग हो रहा है, तो क्या हो गए, डिफरेंट हो गए ना, ये इन्हें कहेंगे हेटरोजाइगस कंडीशन। ठीक है, तो ये जितना भी आपने यहाँ पर दिखाया है, पेरेंटल जनरेशन, होमोजाइगस, F1 जनरेशन, हेटरोजाइगस, ठीक है, संकर यानी कि क्रॉस होता है, और क्रॉस का जो संकेतक था क्या था, पुणा के रूप में होता है, लंबा पौधा पौन पौधा को आपने दिखाया था किसी रूप में, फेनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी क्या थे आपके, जीनोटाइप भी बन रहे हैं। और जो टूटा हुआ भाग है अर्थात इसके विपरीत भाग होते हैं, उन्हें कहते हैं एलील्स। तो आपने यहाँ पर देखा कि कैसे
हमने इस एक प्रयोग में आपको दिखा दिया है कि जितनी भी शब्दावलियां मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए यूज किया था उनका सारा का समावेश इसी एक एग्जांपल में आपको दिखा दिया गया है, और इसी के बेस पर भी आप आगे अपना और भी एग्जांपल हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका प्रभाविता का नियम। इसके बाद आप आगे पढ़ेंगे, दो नियम और हैं, उसके लिए हमारा आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद।